अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी फेवरेट फ्रूट क्रीम चाट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। बाकी जो हम फ्रूट चाट और क्रीम चाट वगैरह बनाते हैं उन सब से इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए हाफ लीटर मिल्क, यानी कि 500 ml। क्रीम हमने लिया है 200 ml। एक पैकेट जो मिलता है डेयरी क्रीम का वो 200 ml का होता है, तो वो हमने लिया यहाँ पर। शुगर 1/2 कप, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर खोया लिया है 70 ग्राम्स। कॉर्नफ्लोर हमें चाहिए 2 टेबल स्पून और मिल्क हमने यहाँ पर लिया है 3 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम मिल्क और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। तो मिल्क ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिल्क को हम बॉयल करेंगे, तो मिल्क ऐड कर देंगे और इसे बॉयल कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। साथ ही हम इसमें शुगर भी ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और मिल्क का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था, ऐड कर देंगे और साथ साथ हम इसे विस्क करते रहेंगे इस तरह से। अब हम दूध के थिक होने तक इसे पका लेंगे, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और दूध हमारा अच्छे से थिक हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर दूध हमारा थिक हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर दूध कितना थिक, यानी कि गाढ़ा कितना ज़्यादा हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम इसमें खोया ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से विस्क कर लेंगे। इसे हमने इतने अच्छे से मिक्स करना है कि खोया जो है वो दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम एक बाउल ले लेंगे और मिल्क जो है वो इसमें डाल लेंगे। तो इसे ऐड करने के बाद अब हमने इसे प्लास्टिक रैप के साथ कवर कर लेना है। तो आपने बोल को इस तरह से ऊपर से कवर नहीं करना, आपने जो मिल्क की सरफेस है उसको प्लास्टिक रैप के साथ कवर करना है इस तरीके से। तो ये देखें इस तरह से मिल्क की सरफेस को हमने प्लास्टिक रैप के साथ कवर कर लिया। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब फ्रूट क्रीम चाट के लिए हमने यहाँ पर खजूरें ली हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट और मेवे लिए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वही ले लें, और आप इसमें इंजीर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये थे तो मैंने यही ले लिए हैं। तो अब हम इन्हें चॉप कर लेंगे। तो पिस्ता लिया है मैंने, और इसे हम फाइन चॉप नहीं कर लेंगे, बस इसे रफली चॉप कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से अब हम काजू चॉप कर लेंगे, अखरोट चॉप करेंगे, बादाम भी इसी तरह से कर लेंगे, और मेवे हमें चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। खजूरों में से हम गुठलियाँ निकाल लेंगे और इन्हें इस तरह से सेंटर से कट करके दोबारा से सेंटर से कट करेंगे। 7 से 8 खजूरें मैंने यहाँ पर लिया, सभी को इसी तरह से कट कर लेंगे। जब तक हमारा वो दूध का मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम ये सारी अपनी कटिंग और चॉपिंग कम्प्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने अंगूर लिए हैं, तो इसे हम सेंटर से कट करेंगे और इसे डी सीड कर लेंगे। इसमें सीड बहुत मोटा होता है तो वो हम निकाल लेंगे, वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन सीज़न के अकॉर्डिंग यही अंगूर अभी अवेलेबल था तो हम यही ऐड कर रहे हैं। अगर आप दूसरे वाला ऐड कर रहे हैं, किसी और सीज़न में बना रहे हैं, उसे फिर आपको डी सीड नहीं करना पड़ेगा, जस्ट कट करें और ऐड करें। अब यहाँ पर हम 4 to 5 बनानास को स्लाइस कट कर लेंगे। बनाना और एप्पल को आप बिल्कुल लास्ट पर कट कीजिएगा, क्योंकि फिर इसका कलर जो है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल लास्ट पर ही कट कीजिएगा कि बस कट करें और इसे सैलेड में ऐड करें और मिक्स करें। अब इसी तरह से एप्पल को भी हम कट कर लेंगे। तो एप्पल को हम क्यूब्स में कट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के एप्पल लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप इसमें कोई और फ्रूट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एप्पल्स हमने कट कर लिए हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो हमने मिल्क रेडी किया था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक बार अच्छे से विस्क कर लेंगे। अच्छे से विस्क करने के बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम को मिक्स करने के बाद हम इसमें बनानास ऐड करेंगे, एप्पल्स ऐड करेंगे, खजूर ऐड कर लेंगे और चॉप किए हुए सभी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। सभी चीज़ें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी फ्रूट क्रीम सैलेड रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे इफ्तारी में बनाएं या फिर ईद पर बनाएं, किसी भी गेट टुगेदर में बनाएं, हाई टी में बनाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। इतनी मज़ेदार, इतनी फ्लेवरफुल बनकर तैयार होती है कि कोई भी अपना हाथ नहीं रोक सकेगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर बोल्स की साइड्स जो हैं वो मैं क्लियर कर लूँगी टिश्यू पेपर की हेल्प से।
अब इस पर गार्निशिंग कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स की, खजूरों की, और इसे सर्व करेंगे। तो देखने में ये जितनी खूबसूरत और मज़ेदार लग रही है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये मज़ेदार सी फ्रूट क्रीम सैलड की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ आपको मिलता रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं रमज़ान के लिए नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड ऑलवेज़ रिमेंबर डैट होममेड इज़ द बेस्ट।